पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन, ये हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। अब टिकट तो पहले बात हो ही गए थे, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो ही अड़े हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। डेढ़ घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ चार बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी, 20 साल हम यहाँ नहीं थे। तो जब हम 20 साल नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में थे, अलग थे, तो आप यहाँ कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दे दिए? आप दे देते, आप 20 साल आप चुप रहे। अगले बार हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ पप्पू बाबू को, उदय बाबू को टिकट मिल गई कांग्रेस से और मेरी मैडम चुनाव लड़ रही थी तो इसलिए हम छोड़ के मधेपुरा चले गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जहाँ थोड़ा भी जाति का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदू मुसलमान का कोई बात होती है ना, मैं वहाँ से भागता हूँ। देखिए, डर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते चला ना जाए। कांग्रेस की तरफ से जब वादा किया गया था तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों अड़ गए कि उनको ही ये टिकट चाहिए? मुझको देखिए, मैं ये सीट आज़ादी के बाद से कांग्रेस की रही है, कभी भी आरजेडी चुनाव, मेरी माँ के खिलाफ आरजेडी एलजेपी का गठबंधन था, 20,000 वोट लाए, फिर सीपीएम का गठबंधन था, मेरे खिलाफ 28,000 वोट लाए। जनता दल जब बड़ा था तो उस वक्त मात्र 43,000 मेरे खिलाफ़ वो वोट लाए। लालू जी घर घर मेरे खिलाफ़ गए थे, हम उसके बावजूद भी लालू यादव जी के साथ हमेशा रहे, आप उठा करके देख लीजिए, हम हमेशा मदद किए। मैं बार बार कहा कि एक सालों से लगभग पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया एक कैंपेन थी और उस कैंपेन से हम 680,000 परिवार के साथ हम चलते रहे, हम मिले। और उसके बाद आप जिस तरीके से आपने टारगेट कर लिया, एक तो कांग्रेस के साथ मेरी आइडियोलॉजिकल मर्जर था, पहले आप इसको समझिए। राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी मेरे लिए एक हॉट है, वो वहाँ पर कि वो टिकट देंगे ही, टिकट तो हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हम तो कोई गठबंधन की बात तो हमने कभी की नहीं थी। लालू यादव जी ने बुलवाया तो हम गए और लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, आप जस्ट यू ज्वाइन आरजेडी एंड फाइट इलेक्शन मधेपुरा। हमने उन दिन भी कहा कि मैं मधेपुरा इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले ही बहुत धोखे खाए हैं और पूर्णिया मैं नहीं छोड़ सकता हूं। आप पूर्णिया दे दीजिए, मेरा आग्रह होगा, मर्जर अभी छोड़ दीजिए, मत की बात करिए, मैं लौट के आता हूँ, तब फिर कोई बात होगी। तो फिर हम गए तो तब तक मैं एयरपोर्ट पे ही प्रियंका जी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद फिर मैसेज आ गया राहुल जी के यहाँ से कि जस्ट नो यू टॉक टू केसी के वेणुगोपाल। फिर जब इतने के बावजूद मेरे पास सिवाय, तो मैंने तो मर्जर पार्टी को एक लार्जर कॉज के लिए किया, एक जो देश का जो लार्जर कॉज है या एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है पार्टी का, तो इसलिए उसमें आप हमारे इसका, तो हम तो दो दो सीट छोड़ दिए। लालू यादव जी तीनों सीट क्यों ले लिए? सुपौल भी ले लिए, पूर्णिया भी ले लिए। सुपौल में मैडम रंजीत रंजन के अलावा कोई चुनाव नहीं जीती अभी तक। बगल में अररिया आप चुनाव नहीं जीता पाते हैं, जहाँ 7.5 लाख 6.5 लाख मुस्लिम है, 5 लाख यादव है, आप नहीं जीता पाते हैं। आप एक बार बाय इलेक्शन लड़ा, आप 10 सालों से यहाँ, आप हमें समझ में ही नहीं आए कि तेजस्वी जी, जिनको हम लोगों ने बातचीत की कि भाई मिल करके काम करिए, आप बढ़िए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अब लालू यादव जी क्यों? अरे मुझको नहीं पता, मुझे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, चलिए उनका अपना राजनीति थी, लेकिन कभी कहीं नॉमिनेशन करने नहीं गए और व्यक्तिगत
इतनी नफरत क्यों इन लोगों के भीतर हुई? मैं तो डेस्टिनी को मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ, और एक सीट का मामला था, सिर्फ पूर्णिया का मामला था, तो एक सीट का मामला में इतना नफरत होना है। और बगल में तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ नहीं आप गए, वहाँ चले जाते। किशनगंज में नॉमिनेशन था, वहाँ भी चले जाते। तो यहाँ नफरत थी तो मोहब्बत तो दिखती कहीं तो जाते। राजनीति में कोई अंतिम चीज़ तो होती नहीं है, दुश्मनी तो होती नहीं है, दो भाई मिलके भी चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट भी होता है, सिस फायर भी होता है, स्टेटस भी होता है, जनता की बातें हैं, जनता जिसको। लेकिन आप इस तरीके से, ये पूर्णिया है, ये मधेपुरा तो है नहीं, या और जगह तो है नहीं, पूर्णिया ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव ने एक बार ये कहा था कि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटा है, इसीलिए लोग उनको पूछ रहा है, अन्यथा लोग उनको पूछता तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी का लोग बदला ले रहा है आपसे? मैं पैर पकड़ता हूँ, इस सब चीज़ों में हमको मत डालिए। मैं वैसे ही बहुत थक चुका हूँ, 14-13 दिनों में बिल्कुल मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे इतनी गंदी राजनीति से मुझे अब नहीं मतलब है। मुझे लगता है कि मेरी राजनीति इतनी गंदी है कि आराम से सेवा करने के लिए हम बने हैं, तो इसीलिए जिनको टाइम, वक्त और भगवान की जिस पर असीम कृपा होगी वो मुख्यमंत्री बने, पीएम बने, बने ना बने तो हैं 10 सालों से। पप्पू यादव जो अभी भी कांग्रेस में हैं, क्योंकि बाहर में पोस्टर लगा हुआ है, ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, तो लगा रहेगा। कोनो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी तो फ़ोन करके तो बोलने दिए कि खोल दीजिए, वो लगा रहेगा। इस बात को समझिए, राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है ना कि नहीं लड़ रही है? ममता दीदी का संबंध अच्छा है ना, और वहाँ पर कांग्रेस अलग लड़ रही है ना? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लड़ रहे हैं और पंजाब में अलग लड़ रहे हैं ना कि नहीं लड़ रहे हैं? माले अगले बार सिवान में लड़ी थी ना कि नहीं लड़ी थी? तो उसी तरीके से पप्पू यादव भी लड़ेंगे यहाँ से। आज राज्यसभा के सांसद कटिहार वाले अशफाक करीम जी नामांकन करने जा रहे हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा इंडिया गठबंधन है? आप क्यों नहीं रोके? आप कहाँ से मजबूत करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को? आप मधेपुरा में क्या असर पड़ेगा? सुपौल में क्या असर पड़ेगा? अररिया में क्या असर पड़ेगा? आप जो जनून था, पागलपन था लोगों के भीतर, आप उसको कम कर दिए। पूर्णिया में तो यहाँ आम लोग पागल हो गए, लेकिन और जगह आप क्या कीजिएगा? यहाँ तो हर घर की महिलाएं निकल गई, हमने कुछ नहीं बोला है, आज किसी को नहीं बुलाया। आप जाकर आइएगा, देखिएगा, ट्रेन के ट्रेन औरत मर्द बच्चे चल दिए जानकी नगर से, बनमन खिसे घर से निकल कर। तो पप्पू यादव को आखिर निर्दलीय क्यों चुनाव में जाना पड़ रहा है? भैया मुझे तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो ये बात शुरू दिन से बोल रहा हूँ ना कि आप एक सीट से इतना जिद क्यों? और वो जिद तब जब हमने लाखों लाख लोगों की भीड़ रंगभूमि में यहाँ के गरीब गुरबा आए, उसके बाद जिद, फिर बाहर से आप किसी को ला करके, तो इसको पहले ही आप, पहले भी तो ये विधायक थी, पहले लड़ा लेते, पहले क्यों नहीं लड़ाए? उसके 20 साल में आप लड़ा लेते, और आपको इतना ही था तो पहले भी लड़ा लेते। आप राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप उसको रोकिए कि सरवन जीते। आप साहबुद्दीन साहब की पत्नी को आप समझाइए, आप बोलिए कि हम आपको राज्यसभा एमपी बनाएंगे। आप प्रभुनाथ भाई के बेटे को रोकिए, आप क्यों दे दिए महाराज? तो पप्पू यादव से इतना नफरत क्यों है भैया? आप उनको हम ही से नफरत है कि नहीं है मैं नहीं जानता। कन्हैया को क्या हुआ? कन्हैया को सीट क्यों नहीं मिली? कन्हैया की सीट आपने क्यों दे दिया? आपने साहबुद्दीन साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप प्रभुनाथ भाई जेल में, आप उनकी, प्रभुनाथ भाई की सीट के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप किनको, आप पुराने किसको साथ में रखते हैं भैया? वो तो उनका दायित्व है। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग मिलकर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूँगा, इतना नफरत राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है। ब्रॉड प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और आपको पिता जी का पूरा सानिध्य मिला हुआ है, आपने अच्छा कि आप बढ़िए, हमारा सहयोग, हमारा सानिध्य भी आने वाले समय में मिलेगा। राजनीति में कोई अंतिम चीज नहीं होती है और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। पप्पू यादव, कहा जाता है कि सीमांचल इलाके में बहुत पकड़ है पप्पू यादव की, ऐसे में उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलना, महागठबंधन के साथ नहीं जाना,
कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? सर हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम प्रयास करेंगे इंडिया गठबंधन को अगल बगल में हमारे साथी हमारी जो छोटी ताकत है वहाँ ईमानदारी से काम करें। हमारा प्रयास होगा कि मीसा भारती जी या रोनी जहाँ लड़ रही है यदि मेरी जरूरत महसूस होगी तो मैं उनको सहयोग कर पाऊँ। लेकिन आपके जरूरत में तो वो लोग काम ही नहीं आ रहे हैं भैया, हम यहाँ तो आपको सीट ही नहीं दिए। मेरे लिए मेरा वर्कर, मेरे लिए मेरा साथी परिवार, पूर्णिया की जनता काफ़ी भगवान है। कभी भी हमेशा पूर्णिया की जनता ने चुनौती कबूल किया है और जब जब पूर्णिया के बेटे पर हमले हुए हैं तब तब पूर्णिया की हर माँ बेटी बहन खड़ी हुई है। आप इसको आप समझिएगा, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली बार मैं बहुत चुनाव लड़ा लेकिन ज़िंदगी का जो परिवार का प्यार और पूर्णिया जो जिसको मैं भगवान मानता हूँ आस्था में जिस तरीके से हर घर के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके आशीर्वाद दिया है ना, दुनिया में मैं राजनीति आगे छोड़ दूँ मंजूर है। मैंने दिल भी जीता, मैंने पूर्णिया को देश और दुनिया के मानचित्र में गिनती होगी 4 जून को जीत गए हम। अब इससे बड़ी जीत क्या चाहिए कि पूर्णिया को दुनिया 14 दिन पूर्णिया पप्पू कांग्रेस मधेपुरा, पूर्णिया पप्पू कांग्रेस मधेपुरा। इसके अलावा तो कुछ चल रहा है, कांग्रेस का अभी साथ आपको है, कांग्रेस का साथ मिलेगा चुनाव में जी? कांग्रेस का साथ मैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं दोनों लीडर को बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखता हूँ और मुझे दोनों लीडर की तरफ से जिस तरह ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था उसमें ना उन्होंने कोई बात नहीं कही है ना उनका फोन आया। पप्पू यादव 3 बार यहाँ से सांसद रहे, 2 बार निर्दलीय रहे, इस बार क्या बार, लगता है? तीनों बार निर्दलीय रहे। देखिए मैं पहले कहूँगा 400 पार, 600 पार, 800 पार अति सुक्ति वाली बात नहीं है। मैं दिल से कहता हूँ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी जनता की भगवान की होती है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा लेकिन मैं यह जरूर प्रयास करूँगा कि हर घर का 20 लाख 23 लाख लोगों का मैं दिल जीतूँ। RJD और बीमा भारती को पटकनी देंगे? सर मेरे बारे में को कुछ जानता ही नहीं हूँ मैं। बीमा जी बीमा जी मेरी बेटी बेटी की तरह हमेशा रही है, हमेशा हमेशा रही है। अभी भी चेयरमैन बनाने में मैं उनके साथ था, पैर पकड़ा उनके लिए और मेरे लिए वो परिवार है। देखिए रावण भी ना शिव से गए थे आशीर्वाद माने, उसकी पूजा करते थे और दुर्योधन भी कृष्ण से आशीर्वाद लेने गए थे, मिला किसको? तो पूरा शिव परिवार है पूर्णिया, मेरे लिए इनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। जब हम पूर्णिया के आशीर्वाद को जीत लिए तो समझिए दुनिया जीत लिए। मेरे लिए हम लोग मिल करके चुनाव लड़े, वो भी आराम से लड़े, वो भी किसी दल से, मेरा उनको बधाई है सम्मान है कि वो लड़े। हम लोग परिवार के माहौल में लड़े, चुनाव परिवार के माहौल में ही लड़ा जाता है। नफरत का आधार पटना वाले को रखने दीजिए, हम लोग घर वाले हैं, यहाँ नफरत ना रखें। तो पप्पू यादव चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर अर्जुन भवन का, जो पप्पू यादव का घर है और यहाँ पर अभी भी कांग्रेस का बैनर और पोस्टर लगा हुआ है। साफ तौर पर पप्पू यादव यह मानते हैं कि कांग्रेस उनके साथ है और वो प्रियंका और राहुल गांधी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, आज से चुनाव मैदान में जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि पूर्णिया कि जनता किसके साथ जाती है। लेकिन पप्पू यादव पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पूर्णिया, न्यूज़ 18 इंडिया।